मैं डासना के पूर्व चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन और होने वाले चेयरमैन भाई हाजी आरिफ अली साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने जनता, आपके प्यारे जनता जिन्होंने आपको इज्जत से नवाजा है, उनको सैल्यूट करते हुए फिर इनसे अपील करें कि आने वाले 11 तारीख को पतंग के बटन को दबाएं। हाजी आरिफ अली साहब, मंच पर बैठे हुए हमारी पार्टी के सदर साहब जनाब बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब और प्रदेश सचिव शमीम तुर्क साहब और हमारे पश्चिम प्रभारी डॉक्टर मेहताब साहब, हमारे हापुड़ के जिलाध्यक्ष हाजी फहीम साहब, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हापुड़ से हाजी सलामुद्दीन साहब और हमारे महानगर के अध्यक्ष मनमोहन झा साहब मंच पर बैठे हुए, मेरे खानदान के, मेरे कस्बे के और मेरे दोस्त और अहबाब सभी को मेरा अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप सब लोग हमें तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन चूंकि आज हमारी पार्टी के लीडर वरिष्ठ बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब मंच पर हैं, आप लोगों की फरमाइश थी कि साहब चाहे एक घंटे के लिए बैरिस्टर साहब को बुलवाइए, तो मैंने बड़ी इल्तिजा के साथ, चूंकि कर्नाटक में चुनाव था तो बैरिस्टर साहब से बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए समय लिया है, लेकिन आप लोगों को इतनी इज्जत रखनी पड़ेगी हमारी कि जब इस सरजमी पे आपने बैरिस्टर साहब को बुलवाया है तो इस माहौल को पतंग के निशान पर वोट लगाकर हज्जन हंसार और हाजी आरिफ अली को कामयाब करना पड़ेगा, वरना हम अपने सदर बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आज आपकी गुजारिश पर और आपकी फरमाइश पर मैंने डासने के अंदर बैरिस्टर साहब को बुलवाया है, तो आपको कम से कम इतना मान सम्मान रखना पड़ेगा। और जहां तक यहां के और जितने भी यहां पर प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आप सभी को भली भांति जानते हैं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 15 साल एक ही परिवार के आदमी ने राज किया और 15 साल के अंदर डासने की एक एक सड़क टूटी हुई मिली। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, जब हज्जन हंसार को आपने 2017 में नगर पंचायत की कमान सौंपी थी तो एक भी सड़क डासने की बनी हुई नहीं थी, कोई रास्ता ऐसा था जो बना हुआ था? मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि उस रास्ते का नाम बताओ जो चेयरमैन साजिद हुसैन के समय का बना हुआ और आज कहीं डासने के किसी कोने पर बच रहा हो। 15 साल के अंदर ये लोग आपके कस्बे की सड़क नहीं बना पाए। 15 साल पहले 204 फ्लैट नगर पंचायत डासना में बने थे, लेकिन ये डीएम साहब को गुमराह करते रहे और ये कहते रहे कि डासने में कोई गरीब आदमी नहीं है। उन 204 फ्लैटों को बांटने का काम हज्जन हंसार और हाजी आरिफ ने किया। वो 204 फ्लैट कोई चेयरमैन नहीं दिलवा पाया। एक बहुत पुराना पुल था, उस पुल को बनवाने का काम हाजी आरिफ ने और हज्जन अंसार ने किया। इन लोगों ने उसकी जांच कराई और 6 महीने मेरे कस्बे के लोग उस पर परेशान होते रहे और ये लोग हाजी आरिफ को बदनाम करते रहे। मेरे गांव के लोग गाली देते रहे और कहते थे कि चेयरमैन से पुल नहीं बनवाया जा रहा, लेकिन इसकी हकीकत यह थी कि इन लोगों ने इसकी दुनिया भर में शिकायत कर रखी थी कि साहब ये पुल अच्छा नहीं है, ये पुल चौड़ा नहीं है, ये पुल जो इसमें सरिया लगा हुआ नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की 3 एजेंसियों ने उसकी जांच करी और वो पुल उसमें पास हुआ और ये लोग बदनाम करते हैं कि उसमें 1 करोड़ रुपए खा गए, उसमें 90 लाख रुपए खा गए। अभी तो इन अनपढ़ लोगों को यह मालूम नहीं है कि उसकी लागत मात्र 60 लाख रुपए है। अनपढ़ आदमी कहते हैं कि हम मदद करेंगे। अरे आप कहां से मदद कर दोगे? आप तो मदद कर ही नहीं सकते जब आपको यह मालूम नहीं है कि कहीं अंगूठा लगाना पड़ता है या कहीं साइन करना पड़ता है। इन लोगों ने ईदगाह का रास्ता नहीं बनाने दिया। साजिद हुसैन साहब के हाथ का रास्ता पास हुआ हुआ था और हम लोग उसको बनाना चाह रहे थे। मैं आप लोगों से यह जानकारी लेना चाहता हूं, क्या हमारी ईदगाह पर रास्ता होना चाहिए या नहीं? क्या 3 बार सत्ता में रहने के बाद, समाजवादी के जिलाध्यक्ष रहने के बाद, क्या उनको वो रास्ता बनवाना था या नहीं? और वो लोग उसके खिलाफ स्टे लेके आए, वो रास्ता उन्होंने रुकवा दिया। उसके बाद यहीं पे मुर्गी फार्म है,
वार्ड नंबर 14 का रास्ता है जो वार्ड नंबर 2 और 14 को जोड़ता है, वो 30 साल से अधूरा पड़ा था। हमने अपने पैसे से उस प्लॉट को खरीद कर उस पर रास्ता बनाने का काम किया है। आज तक किसी चेयरमैन से वहां पे रास्ता नहीं बन पाया। हमने अपनी जेब से 4 लाख रुपए लगाए और उसको खरीदा मॉल का और फिर आप लोगों के लिए रास्ता बनाया। लेकिन वहीं पे एक मेहरबान नाम का आदमी था जिसके वालिद का नाम उसकी फरद में आता था, क्योंकि जब प्लॉटिंग होती है तो रास्ते का नाम फरद में आता है। साजिद हुसैन साहब ने उस पर मुकदमा डलवाया मेहरबान से और 4 साल हमने वो मुकदमा लड़ा। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, 4 साल मुकदमा लड़ने के बाद फिर उस मेहरबान नाम के व्यक्ति को पैसे दिए, तब वो रास्ता आपके लिए चालू हुआ और वो मुकदमा हमने खत्म कराया। ऐसे ऐसे आपके नुमाइंदे हैं। ये हमारी कौम के दुश्मन हैं। ये लोग नहीं चाहते कि इस देश की तरक्की हो और ये आपको बदनाम करना चाहते हैं। कुछ लोग गुमराह करते हैं कि हमने शमशान घाट दे दिए। शमशान घाट हमने नहीं दिए। शमशान घाट 95 से लेके और 2000 तक जब नईमा खातून चेयरमैन थी तो वो उन्होंने दिए थे। होली की दलिया भी नईमा खातून ने दी थी 95 के बाद। हमने सरकार ने जिस तरीके से आपके कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई है, इसी तरह से शमशान घाट की बाउंड्री कराने का काम हमने किया है। होली की दलिया की बाउंड्री कराने का काम किया है और जो हमारा तालाब है उसमें हम सौंदर्यकरण कराने का काम करेंगे। उसका 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह अगर आपने मौका दे दिया तो जो 85 बीघे का तालाब है उसमें एक बहुत बेहतरीन उस पर जो है हम लोग विकास करेंगे और उस पर एक फुटपाथ बनाएंगे और एक पिकनिक स्पॉट होगा जिसमें हमारी माँ और बहनें सुबह और शाम टहलने का काम करेंगी। जितने बुजुर्ग हमारे हैं, हमारे नौजवान भाई अपनी माँ और बाप को उनका ना इलाज करा पाते हैं ना उन्हें रोटी दे पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक वृद्धा आश्रम हम बनाना चाहते हैं। हमारे जो सपने थे वो अधूरे रह गए क्योंकि देश में 2 साल लॉकडाउन लग गया। 1 साल अधिकारियों की लड़ाई होती रही तो इसलिए हमें समय नहीं मिला। 2 साल के समय को 15 साल वालों से मिला लेना, 15 साल वालों से ज्यादा काम हमने करके दिखाया है। डासने का एक गोल चक्कर है मेन रोड से लेकर, कभी वो गोल चक्कर किसी चेयरमैन से पूरा नहीं बना। अगर काजियों वाली मस्जिद की तरफ बना दिया तो दूधिया पीपल की तरफ टूटा पड़ा रहा। अगर सैफियों की तरफ बना दिया तो मेन मार्केट में टूटा पड़ा रहा। अगर मेन मार्केट में बना दिया तो बस अड्डे पे धूल उड़ती रही। आज ऐसा रोड हमने बना दिया है आप लोगों की दुआओं से कि अगर गिलास में पानी रख दोगे तो वो पानी छलकने का नहीं है आपका। ऐसे ऐसे रोड हमने बना के दिए हैं। हमारे सपने अधूरे थे। हम चाहते थे कि जिस तरीके से हमने 10 ई रिक्शा अपनी माँ और बहनों के लिए फ्री चलने के लिए बनाए हैं, इसी तरह से इंशाल्लाह 3 व्हीलर यहाँ से गाजियाबाद के लिए और यहाँ से पिलखवे के लिए अपनी माँ और बहनों के लिए फ्री चलवाने का काम करूंगा। और 50 साल से ऊपर की जितनी मेरी माँ और बहनें हैं और हमारे बुजुर्ग हैं और विधवाएं हैं या कोई विकलांग है, उसको 2000 रुपए की पेंशन चाहे हमें अपने फंड से देनी पड़े, चाहे नगर पंचायत से देनी पड़े और चाहे सरकार से दिलाने का काम करें, इंशाल्लाह उसको कराने का काम करेंगे। पानी के 5 पंप लगे हुए थे हमारे कस्बे में, 5 योजनाएं चली गई, किसी चेयरमैन से एक पंप चालू नहीं हुआ। हमने 3 पंप चालू कराए हैं मात्र 2 साल के समय में। 3 पंप चालू कराए, 4 घंटे सुबह में पानी आता है, 4 घंटे शाम को पानी आता है। और अगर अब इस बार आपने मौका दे दिया तो इंशाल्लाह आपको 12 घंटे पानी देने का काम करेंगे। 3 टंकी नई बनाने का प्रस्ताव हमारा पास हो चुका है। पूरे कस्बे की पाइपलाइन पूरे कस्बे की नई बदली जाएगी, क्योंकि यह लाइन लगभग जो है 30 या 35 साल पुरानी हो चुकी है और इस लाइन की गहराई 6 से 7 फुट है। जगह जगह पानी लाइन लीकेज होती है और मकान फट जाते हैं, तो इंशाल्लाह इसको सारी की सारी लाइन को नई बदलवाने का काम करेंगे। किसी चेयरमैन ने लाइब्रेरी नहीं बनवाई आज तक, हमने लाइब्रेरी बनवाने का काम किया है। एक आपको बता दूं, एक आदमी हमारे यहां ब्याजल भी है, जानते हो आप लोग ब्याजल कौन है? उसने कुछ लोगों के मकान लिखवा लिए हैं।
कुछ लोग कहते हमने मकान नहीं लिखवाए, हम उसका सबूत दे देंगे। उन्होंने एग्रीमेंट कराए हैं गरीबों के, किसी से 5% ब्याज लेते हैं, किसी से 3% ब्याज लेते हैं। अगर उनको हमदर्दी है गरीबों से, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि आप उन गरीबों का ब्याज माफ करो और उनके पैसे माफ करो, तो हम मानेंगे कि आप गरीबों के हमदर्द हैं। और इस वार्ड के लोगों ने ज्यादा पैसे ले रखे हैं ब्याज पे। और यह भी आपको बता दूं, अभी 3 साल के लिए, 3 महीने के लिए इलेक्शन पीछे हटा था, उन लोगों ने तगादा शुरू कर दिया था। तगादा करा आप लोगों पे या नहीं? आपको बता रहा हूं, चुनाव के बाद किसी को चवन्नी देने की जरूरत नहीं है। दोगे तो नहीं? अगर किसी ने चवन्नी मांगी आपसे, ना ब्याज देना है ना जमा देनी है। आपका बेटा कस्बे में रहता है, उनको उनका घर दिखाने का काम करेंगे अगर किसी गरीब से पैसा या ब्याज मांगने का काम करेंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सब पे मेला फेर दो। अगर कोई ब्याज बट्टे वाला तुमसे पैसे मांगे तो हाजी आरिफ को फोन कर देना। जिस तरीके से मेरी माँ और बहनें रात को हमारे भाई से लड़ती हैं और मुझे फोन करती हैं रात के 12 बजे कि हाजी आरिफ हराम का चुदा शराब पीकर मेरे से लड़ रहा है, मेरे घर आ जाओ, तो रात के 12 बजे तुम्हारे घर जाने का काम करता हूं। क्या कोई चेयरमैन अब से पहले आपके घर गया, आपके साथ बैठकर खाना खाया? इसी तरह से आपके साथ साने बसाने रहूंगा। किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, मात्र एक फोन करना, इंशाल्लाह आपका भाई आपके पास मिलेगा। एक हाथी वाले हैं बहन कुमारी मायावती, 4 बार सत्ता में रहने के बाद आपको कुछ नहीं दिया, आपको कुछ नहीं दिया, आपको कट्टरपंथी बताती हैं, तो आपको उसका भी ख्याल करना है। एक स्कूटर है, मुझे लगता है स्कूटर तो शायद अब नया नहीं आ रहा, आ रहा क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो उसका तो जिक्र करना ही बेकार है। अच्छा, कुछ बदमाश किस्म के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम डराकर और धमकाकर वोट ले लें। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। एक कोई केतली वाले बकवाद कर रहे थे, तो उसकी चाय कब तक खत्म हो जाएगी केतली में से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 10 तारीख तक खत्म हो जाएगी ना? चलिए, ऐसा है, आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि समय कम है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कभी कभी मौका मिलता है, मुझे तो आप लोग सुनते रहते हो, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मौका देना चाहता हूं। आप लोग बड़े इत्मीनान के साथ, जितने इत्मीनान के साथ आप लोग खड़े रहोगे मेरे सदर बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब, उतने इत्मीनान के साथ आप लोगों से मुखातिब होंगे। आप लोगों को मजा आएगा सुनने में, क्योंकि लोग कई कई सौ किलोमीटर से सुनने के लिए आते हैं। हमारे ही कस्बे में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो बैरिस्टर साहब को सुनने के लिए और पतंग पर वोट देने के लिए सऊदी अरब से आए हैं। एक बच्चा सऊदी अरब से आया है और एक कतर से आया है। मैं इस मंच से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं अपने सदर बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब को मौका देना चाहता हूं।